सिंह साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वो बड़े लीडर हैं। सवाल सिर्फ आरसीपी सिंह जी का ही नहीं है, ये कैसी राजनीति और लोकतंत्र है कि जब वो भाजपा में थे तब तक इनका पट्टा, इनकी जमीन बाहर नहीं निकली। भाजपा से निकले और जदयू से निकले तो उनकी सारी पट्टाएं बाहर आ गई। कोई नेता है जिसके पास 50-60 पट्टा जमीन का ना हो? ये बात अलग है कि आरसीपी सिंह जी साहब ने चुनाव आयोग में हलफनामा गलत दिया, उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे, उनको निकालना है। जदयू के लिए यदि चैलेंज होते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जदयू भी रास्ता अपना निकालती है, हर पार्टी निकालती है। अब तो रिवेंज का मामला है ना नेताओं से। शिवसेना भाजपा में जब तक थी तब तक ठीक, और शिवसेना ने जब इस देश की डेमोक्रेसी को और सेकुलरिज्म को समझा तब भाजपा शिवसेना सबसे ज्यादा नफरत हो गया भाजपा के लिए। अब आरसीपी सिंह जी जब भाजपा के गोद में खेलने लगे, भैया आप इस बात को समझिएगा ना कि जितनी घटना घटी अग्निवीर पर, पप्पू यादव सड़क पर, विपक्ष घर में का मामला भी जदयू इंटरनल है, उनकी आंतरिक लड़ाई है और बीजेपी की भूमिका है। बीजेपी के और जदयू के झगड़े में आरसीपी सिंह साहब मजबूत बलि का बकरा भी बनेंगे, और जैसा करनी वैसी भरनी। यदि इतना प्लॉट आरसीपी सिंह साहब को है तो भैया गुनाहगार तो हो आप पब्लिक। राजनीति पैसे के लिए और ऐशो आराम के लिए नहीं होता, राजनीति इश्क और मुश्क के लिए और 14 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए नहीं होता है। राजनीति का मतलब है 46 डिग्री, राजनीति का मतलब है 56 साल हुआ, 14 साल से लाठी खाना शुरू किया, आज भी लाठी और जेल और मरने की तैयारी में रहते हैं। डेली पार लड़ेंगे, एक तरफ अपराधी माफिया नेता और पदाधिकारी का गठजोड़ के खिलाफ जंग है, इंसानियत के लिए जो खतरा होगा उसके लिए हम खतरा हैं।